This video is brought to you by Howzat. Download the app now. आमने सामने कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में, जहां 2012 ऑनवर्ड्स के अपने कस्टम को बरकरार रखते हुए मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच हार चुकी है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने पिछले सीजन नेट रन रेट के वर्च्यू से प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई थी, वो इस सीजन पहले मैच में जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत कर चुकी है। चल, दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। How's that पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा How's that? How's that? This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिल्कुल, और दोनों ऐसे टीमों के बीच मैच है जो हालिया काफी समय से चर्चाओं में है, अलग अलग पॉलिटिकल रीजंस से। एक तरफ कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव हो रहे हैं और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। दूसरी तरफ मुंबई, जो लगातार तमाम डेवलपमेंट्स, जो एंटीलिया केस है उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए उसके चलते चर्चाओं में रही है। तो ऐसे दो शहर जो अलग अलग वजहों से चर्चा में हैं, लेकिन अब वो खेल की वजह से चर्चा में है, क्योंकि वो दोनों इंडियन प्रीमियर लीग की मजबूत टीमें हैं, चैम्पियन रही हैं अलग अलग वर्षों में, और अब वो एक दूसरे के सामने होंगी चेपॉक के मैदान पर, जहाँ पर जैसा कि अभी हमने जब कल आपसे मुखातिब हुए थे तब हमने बताया था कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर चेस करने वाली टीम लगातार उनको ये मैदान फलता रहा है, वो आगे रही है। इसके उलट कहानी है चेपॉक पर, जहां फायदे में रही है वो टीम जो पहले बैटिंग करती है। यानी काफ़ी हद तक ये मुमकिन है कि आज जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकती है, पहले बैटिंग करिए, एक बड़ा स्कोर बनाइए और दूसरी टीम को प्रेशर में लाइए, क्योंकि दोनों टीम बैटिंग हैवी है, तो टीमें यही चाहेंगी कि आप एक बड़ा स्कोर करके वहां से मैच को अपनी तरफ शिफ्ट करें। और एक तरह का प्रेशर तो होगा ही कोलकाता नाइट राइडर्स पर, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले 27 गेम्स में 21 में हार का सामना करना पड़ा है कोलकाता नाइट राइडर्स को। हालांकि पिछले मैच में जिस तरह से सनराइज हैदराबाद को हराया था उससे काफी कॉन्फिडेंस आया होगा पूरी टीम को। प्रेशर तो रहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स पर भी, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले 27 गेम्स में 21 मैचेस में कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से सनराइज हैदराबाद को हराया था उससे काफी कॉन्फिडेंस हुआ होगा टीम को अपने प्लेइंग 11 जो उन्हें मिला था उस पर, क्योंकि पिछले सीजन बहुत स्ट्रगल कर रही थी टीम ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर, टॉप ऑर्डर को लेकर खास करके। लेकिन जिस तरह की बैटिंग नितिश राणा ने पिछले मैच में दिखाई, हालांकि शुभमन गिल का जो प्रॉब्लम था इस सीजन भी कंटिन्यू कर रहा है पहले मैच के बेसिस पे अगर डिसाइड करें तो, क्योंकि एक्सेलरेट करने की जो बात होती है, जल्दी रन्स बनाने की बात होती है, शुभमन गिल उस भूमिका को बखूबी पिछले दो सीजन्स में नहीं निभाते हुए दिख रहे। हालांकि दूसरी तरफ नितिश राणा, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा उनका जो स्कोर है वो अभी तक देखने को मिला है, या तो 80 रन बनाते हैं या फिर 0 पर आउट हो जाते हैं। तो अभी जो मौका है, अभी जो नंबर है वो तो डक का है, लेकिन खैर इस स्ट्रीक को तोड़ना चाहेंगे और कंसिस्टेंटली रन्स बनाना चाहेंगे। और उसके अलावा राहुल त्रिपाठी ने भी सेल्फलेस बैटिंग का प्रदर्शन दिया पिछले मैच में, क्विक फायर हाफ सेंचुरी बनाई। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स का कॉन्फिडेंस अपने टॉप ऑर्डर में ज़रूर काफ़ी हाई होगा। बिल्कुल, और साथ में अगर सौरव गांगुली के शब्दों में कहें तो भले केकेआर लगातार पिछड़ती रही मुंबई से, लेकिन वो फ्लाइट में अपने साथ ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना चाहेंगे। ज़्यादा सामान से यहाँ पर तात्पर्य इतिहास से है, कि वो ज़्यादा इतिहास पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। अब तो कप्तान भी बदल गए हैं, नए कप्तान हैं, ऐसे कप्तान हैं जो आत्मविश्वास से भरपूर रहते होंगे कमान संभालते वक्त, क्योंकि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए विश्व कप जीता है। ओवेन मॉर्गन और पहले मैच में उनकी कप्तानी भी अच्छी दिखी। वहीं दूसरी तरफ एक केकेआर के पास एक हैवी मिडिल ऑर्डर है, अब वो उस पर निर्भर कर सकते हैं अंतिम 10 ओवर में। जैसे कि एक समस्या जो मेघा ने भी बताया, शुभमन गिल वाली एक समस्या है केकेआर के टॉप ऑर्डर के साथ, और ये बात अभी से नहीं पिछले सीजन से रही है कि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट उतना हेल्दी नहीं जा रहा है। लेकिन शायद केकेआर को भी एतबार हो कि हमारे पास आखिरी 10 ओवर में पर्याप्त फायर पावर है। उनके पास आंद्रे रसल हैं, दिनेश कार्तिक हैं, कप्तान मॉर्गन हैं, जो कहीं से भी मैच को एकदम से एक्सेलरेट कर सकते हैं और आराम से आखिरी 10 ओवर में 100 रन या उससे ज़्यादा 120, 130 रन तक जुटा सकते हैं। और एक वजह यह भी है कि मुंबई के पास एनी डे उनकी बॉलिंग को लीड करने वाला एक ही बंदा होता है मलिंगा के जाने के बाद, और वो हैं जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। दिनेश कार्तिक उनके खिलाफ 192 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, और वहीं बुमराह केकेआर के खिलाफ
खराब इकॉनमी रहती है उनकी, 8 या 8 से ऊपर की इकॉनमी चली जाती है केकेआर के खिलाफ। तो शायद ये जब दोनों टीमें बैठती होंगी मैच के पहले रणनीति बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें रहती होंगी उनके जहन में, और जो शायद मैच में भी एक अहम फैक्टर बने। और एंड्री रसल के खिलाफ लेकिन बुमराह का रिकॉर्ड अभी तक बहुत अच्छा है, 3 बार उनका विकेट चटका चुके हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एक्सप्लोसिव है, लेकिन एंड्री रसल बिल्कुल चाहेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कि अपने 2019 के सीज़न को रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि पिछले बार भी उनका बल्ला नहीं चला था। हालांकि गेंदबाजी में वो धार दिखी, खास करके डेथ ओवर्स में पिछले सीज़न कमान संभाली थी, और इस सीज़न भी सनराइज हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में ही आखिरी ओवर की जिम्मेदारी डिफेंड करने के लिए उनको दी गई, और अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए बखूबी रन्स डिफेंड करके कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत भी दिलाई। जीत आप भी सकते हैं अगर आप हाउस एड पर टीम बनाएं तो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक, अगर आप वहां से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा 3000 का वेलकम बोनस, और आप युवराज सिंह की टीम को चैलेंज कर सकते हैं। युवराज सिंह की टीम को चैलेंज करके आपके पास मौका रहेगा 5 times कैश जीतने का। ये थी बात आपकी जो आप चैलेंज कर सकते हैं युवराज की टीम को, लेकिन मुंबई कितना चैलेंज कर पाएगी केकेआर को, ये भी देखने वाली बात होगी। मुंबई के साथ भी बहुत ज़्यादा इश्यूज तो नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टीम बना ली है जो हिचकोले खा के या किसी भी तरीके से अपने जो लय है वो टूर्नामेंट के 20 तक आखिरी तक पा लेती है। रोहित शर्मा ने बोल भी दिया है कि पहला मैच मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप टूर्नामेंट जीत रहे हैं कि नहीं। तो मुंबई के हिसाब से अगर उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखें तो रोहित शर्मा तो एनी डे फॉर्म में आ सकते हैं, पिछले मैच में भी अच्छे निक में दिख रहे थे, लेकिन मुझे लगता है एक जो चीज़ मेरे जहन में आती है वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि पांड्या किस तरह से अब इस टीम में अपना योगदान देते हैं वो एक बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा गेंदें आने वाली नहीं है किसी भी मैच में, और मैं ज़्यादा देखना चाहूँगा कि वो उनकी बॉलिंग करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं तो कितनी बॉलिंग करते हैं, इसलिए देखना चाहूंगा, क्योंकि यही चीज आगे T20 वर्ल्ड कप तक जाने वाली है हार्दिक पांड्या। यही कारण है कि बहुत ज्यादा बॉलिंग अभी नहीं कर रहे। जहीर खान ने ये बात स्पष्ट की कि अभी इमीडिएटली नहीं, लेकिन आगे जाके हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करते हुए हम देख सकते हैं। इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा था थोड़ी बहुत गेंदबाजी की थी उससे पहले, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी की थी, लेकिन क्योंकि 100% फिट नहीं है, पहले मैच में हमने देखा था कि अंडर आर्म थ्रो किया था जब वो डीप में फील्डिंग कर रहे थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहेंगे हार्दिक पांड्या पे, और हार्दिक पांड्या खुद पर गेंदबाजी का प्रेशर नहीं डालना चाहेंगे, और जैसे पिछले सीजन थ्राइव किया था प्योरली बैटिंग के अपने रोल में, क्योंकि इतना फायर पावर है उनमें कि 5-6 गेंदे भी मिले तो मैच पे एक निर्णायक अपना छाप छोड़ सकते हैं उन 5-6 गेंदों में मोमेंटम पलट कर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उन्हें कंजर्व करके चले टीम। हाँ, लेकिन एज जब हम उसको लंबी पिक्चर देखते हैं तो मुझे ध्यान आता है कि हार्दिक पांड्या प्री कोविड काल से रेगुलरली बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, कई मैचेस में करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं तो 2 ओवर 4 ओवर करते हैं, वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़रूर किए थे लगातार हर मैच में 6 ओवर 7 ओवर 8 ओवर तो निकाले ही थे, कई मैच में कोटा भी पूरा किया था, तो लेकिन उसके बाद से वो रेगुलर बॉलिंग नहीं करते। और मैं हार्दिक पांड्या को जब बात हम मुंबई इंडियंस से आगे की सोचते हैं, इंडियन टीम की सोचते हैं, तो मैं उन्हें प्योर बैट्समैन के तौर पर नहीं देख पाता हूँ टीम में, शोल्डर इंजरी के कारण। बिल्कुल उसके बिल्कुल, इसीलिए वो मैं चाह रहा हूँ कि वो फिटनेस उनका, वो उन्होंने कहाँ तक हासिल की है वो फिटनेस, और चूंकि यहाँ अगर बॉलिंग करेंगे भले 2-4 मैचेस बाद बॉलिंग पूरी रिदम से शुरू करें जैसा कि आप बता रहे हैं जहीर के स्टेटमेंट का रेफरेंस देकर, तो लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि क्या वो 3 ओवर भी अगर फेंकते हैं मैच में तो क्या उस रिदम से या उस इम्पैक्ट से फेंक पाते हैं, क्योंकि यहीं से चीज़ें डिसाइड होंगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगेन थोड़ा बहुत ग्लिम्स हमने देखा था इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन अपने आप को ज़्यादा वो प्रेशराइज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि फिर इंजरी का जो रिस्क है उससे ऐसा भी हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप मतलब। हाँ, इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ, फिटनेस भी की भी परीक्षा है, क्योंकि कब तक बचा के रखेंगे आप इंजरी के डर से। लेकिन क्योंकि प्योरली एज अ बैट्समैन भी टीम में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है, तो उनके इस टीम में ना, लेकिन इंडियन टीम में मुझे नहीं लगता प्योरली एज अ बैट्समैन, एज फिनिशर, क्योंकि टीम को फिनिशर की, अच्छे फिनिशर की जरूरत है, तो उनके साथ रिस्क लेना वो भी IPL में शायद बहुत प्रूडेंट। अब ये तो बिल्कुल, और ये तो अब हम चर्चा कर सकते हैं रोहित शर्मा के दिमाग में क्या है, वो तो कल मैच में या मुंबई के आने वाले मैचेस में पता चलेगा। ये थी मुंबई और KKR के बाद, दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रांग साइड हैं, कल चेपक पे भिड़ेंगी, जो भी होगा मैच में हम मैच के पहले लाइव आएंगे आपसे बात करेंगे, मैच के बाद लाइव आएंगे आपसे बात करेंगे, इस बीच तमाम सारी मैच की बातें वीडियोस के जरिए स्टोरीज के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। IPL के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ, कैमरे के पीछे हैं विभव, साथ में है मेघा, मैं हूँ अभिषेक, शुक्रिया।